छोटी सी वीडियो जो मेरे बच्चे अभी तैयार हो चुके हैं और फंक्शन पर जो इनका एनुअल डिनर है उसमें ये जा रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं तमाम तालिबे इल्म मेरे, ये अभी यहाँ से रवाना होंगे और फिर आगे का माहौल आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा वीलॉग है, कॉलेज में एनुअल डिनर है स्टूडेंट्स का जो प्रिंसिपल साहब ने अरेंज किया है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है कॉलेज साइड के स्टूडेंट्स का जो हॉल है, और दूसरी जानेब आप चलेंगे वो है स्कूल साइड का। कॉलेज साइड में सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तलबा बैठेंगे, जबकि स्कूल साइड में छठी से लेकर दसवीं तक तमाम तालिबे इल्म जो है वो शिरकत करेंगे। ये एनुअल डिनर है जो प्रिंसिपल साहब ने अपने स्टूडेंट्स को दिया है। इससे पहले तकरीबन एक हफ्ता हो गया है, हमने वो वीडियो भी बनाई थी जिसमें प्रिंसिपल साहब ने अपने स्टाफ को तमाम कैंपसेस के एनुअल डिनर दिया था, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शन थे, हमने आप दोस्तों को दिखाए थे। तो दोस्तों वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी का बटन होता है उसको लाजमी प्रेस करें। आए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये पिंडाल का माहौल है, बहुत बड़ा पिंडाल है। आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं अभी मगरिब का टाइम हुआ है और तलबा नमाज अदा कर रहे हैं। ये खूबसूरत माहौल चेक करें, ये प्रिंसिपल मोहतरम इम्तियाज़ रशीद साहब ने अपने स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करवाया है। ये एनुअल डिनर है, हर साल इस तरह से होता है। वैसे तो फंक्शन होते रहते हैं, हर वीकेंड पर एक दो फंक्शन हो जाते हैं स्टूडेंट्स की इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ये जो बहुत बड़ा फंक्शन है डिनर का ये आज हुआ है। और कल जो गुजरी हुई है उसमें अबरारुल हक साहब तशरीफ़ लाए थे, स्टूडेंट्स ने अबरारुल हक साहब को सुना था, कुछ उन्होंने स्टूडेंट्स को तजावीज़ भी दी थी और स्टूडेंट्स के हौसले को सराहा था। ये मेन इंट्री पॉइंट है, तलबा यहाँ से इंटर होंगे पिंडाल के अंदर। जब तालिबे इल्म पहुँचेंगे हम आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत माहौल है पिंडाल का। ये सिर्फ कॉलेज साइड का है, अभी स्कूल साइड के पिंडाल की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ये मेन इंट्री पॉइंट है जहाँ से तालिबे इल्म पिंडाल में दाखिल होंगे। अब हम स्कूल साइड के पिंडाल की तरफ रवाना है, उसमें इंटर हो चुके हैं। ये जो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं इसमें छठी सातवीं आठवीं और नौम दोहम की क्लासेस के तलबा होंगे। ये मेहमाना ने गरामी के लिए टेबल्स और साथ में बैठने के लिए सोफ़े लगाए गए हैं। ये सारे मौजूद मेहमाना ने गरामी जो तशरीफ़ लाएंगे उनके लिए अरेंज किया गया है। ये स्टेज के मनाजिर हैं जहाँ पर कल रात कंसर्ट हुआ था अबरारुल हक साहब का। एनुअल डिनर का बैनर भी लगा हुआ है आपके सामने। ये स्कूल साइड का पिंडाल चेक करें, ये हर साल मोहतरम प्रिंसिपल साहब अरेंज करते हैं बच्चों के लिए खाना। नमाज के फौरन बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी पिंडाल खाली है, थोड़ी देर बाद ये भर जाएगा। मोहतरम प्रिंसिपल साहब की भरपूर कोशिश होती है कि तलबा को तालीम के साथ साथ एंटरटेनमेंट के मौके फराहम किए जाएं, जिनमें म्यूज़िकल नाइट्स भी होती हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जिसमें तलबा की सलाहियतों को उजागर किया जाता है। और ये देखें ये सामने सारे पिंडाल के मनाजिर हैं, खाना खाने के आदाब, डिसिप्लिन, मैनर्स, ये तमाम चीज़ें तलबा को बताई जाती हैं।
इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करने का मकसद यही होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब तलबा जाएं तो वो हर चीज़ से वाकिफ हों। मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने ये सारा अरेंज किया है अपने बच्चों के लिए, ये आम बात नहीं है। इस तरह के बड़े प्रोग्राम्स अरेंज करना हर किसी का काम नहीं है, और इस तरह के अखराजात को बर्दाश्त करना भी बहुत बहुत ही दिल जिगरे वाले लोगों का काम है। इस तरह की अरेंजमेंट्स, ये नहीं है कि सिर्फ यह एक प्रोग्राम है, अक्सर यही प्रोग्राम होते रहते हैं तलबा के लिए। अब मैं ये चल रहा हूँ पिंडाल में, आप खुद अंदाज़ा लगा पाइए कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें तलबा के लिए अरेंजमेंट की गई है, तालिब इल्म ही के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। फिर उन लोगों को बुलाया जाता है जिनमें मेहमानान ग्रामी जो शोबे तालीम से वाबस्ता होते हैं, असातज़ा इकराम जो शोबे तालीम से वाबस्ता होते हैं, वो तमाम शिरकत करते हैं। यह मैं पिंडाल के मनाजिर आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, आप दोस्त खुद ही अंदाज़ा लगा पाएँ कि इस तरह की अरेंजमेंट्स करना जो है अपने तलबा के लिए, ये हर इदारे का काम नहीं है, हर आदमी ये अरेंज नहीं कर सकता। ये वो लोग करते हैं जो तलबा को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये देख लें आप, इस तरह का माहौल आप बड़ी बड़ी शादियों में भी आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा, जो एक इदारे के प्रिंसिपल साहब ने अपने तलबा के लिए अरेंज किया है। तकरीबन इस बोर्डिंग सिस्टम में 3000 से ज़्यादा, इस बोर्डिंग सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया 3000 से ज़्यादा तलबा रिहाइश पजीर हैं। ये आप सामने पेनाफ्लेक्स मुलाहजा फरमाएं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम तलबा के लिए अरेंज किया गया है। आप मुलाहजा फरमा रहे हैं, तलबा अब पिंडाल में पहुंच चुके हैं और इन तालिब इल्मों का डिसिप्लिन दीदनी है। ये देखें, म्यूज़िक के साथ साथ तलबा गपशप में भी मसरूफ़ हैं। ये पूरे पिंडाल का माहौल आप दोस्तों को एक मरतबा फिर दिखा रहे हैं। वार्डन वगैरह सिविल गार्ड ये वापस चले जाएं हॉस्टलों में। ये मुख्तलिफ टेबल्स पर बच्चे तशरीफ़ रखे हुए, खाना भी तकरीबन रेडी है और चंद ही लम्हों में इनको शुरू करा दिया जाएगा। ये जो हमारी स्केल है, ये खाना एक मिनट में शुरू किया जाता है, ये मेन्यू है। अभी खाना शुरू किया जाता है चांदी लम्हों में। अब ये तलबा उठे हैं खाने के लिए, अब डिशेज में प्लेट्स में जो है वो खाना बच्चे यूज़ कर रहे हैं। इनके लिए खाना इनके दोस्त लाएंगे। दोस्तों उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह निगेबान।